चमकीला मर्डर केस। लोग कहते थे चमकीला के गाने अफीम का काम करते हैं, एक बार सुन लो तो ऐसा नशा चढ़ता है कि फिर उतरता नहीं। 8 मार्च 1988, उस दिन भी लोगों की भीड़ पंजाब के महसामपुर में सिर्फ इसलिए इकट्ठी थी कि वो भी अमरेंद्र सिंह चमकीला के गानों के नशे में झूमना चाहते थे। चमकीला भी उस दिन सुबह सुबह अपना एक शो खत्म करके अपनी सिंगिंग पार्टनर और प्रेमिका अमरजोत कौर के साथ महसामपुर पहुंच गया था। वो अपने दिन के दूसरे शो के लिए एकदम तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार बंदूक लिए दो गुंडे कर रहे हैं, जो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। पर एक सिंगर को कोई क्यों मारना चाहेगा? ऐसा क्या किया था चमकीला ने? मोर इंपॉर्टेंटली, कौन था अमर सिंह चमकीला और वो पंजाब का सबसे पॉपुलर सिंगर कैसे बना? पंजाब के एक छोटे से गांव के एक दलित परिवार में पैदा हुआ धनी राम, वो अपने बचपन से एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता था, पर जब वो ये सपना नहीं पूरा कर पाया तो वो एक कपड़े की मिल में काम करने लगा। वहीं काम करते करते उसने शौकिया तौर पर गाने गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो हारमोनियम और ढोलकी भी सीखने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुरेंद्र शिंदा नाम के एक इंसान से हुई। सुरेंद्र को धनी राम के गाने बड़े पसंद आए तो उसने उसको अपने बैंड में गाने गवाने शुरू कर दिया और वहीं धनी राम का नाम पड़ा अमर सिंह चमकीला। इसके बाद चमकीला ने गाने लिखना भी शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में चमकीला के गाने पंजाब के लोगों में एक आग की तरह फैल गए। चमकीला पूरे पंजाब भर में खूब सारे शोज करने लगा। फिर उसने सुरेंद्र का बैंड छोड़ दिया और अकेले गाना गाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके फैंस और जनता ने उससे एक लेडी सिंगर की डिमांड की और तब वो एक अच्छी डुएट गाने वाली एक लड़की को ढूंढने लगा। इस खोज में उसकी मुलाकात हुई अमरजोत कौर से। चमकीला को अमरजोत की गायकी और अंदाज दोनों बहुत पसंद आए और साथ में गाते गाते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बस फिर क्या था, दोनों मिलकर गाने गाते रहे और पंजाब के हर दिल की धड़कन बन गए। 27 साल की उम्र में चमकीला इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि वो साल के 365 दिन में 365 शोज करने लगा था। चमकीला की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, बल्कि चमकीला और अमरजोत ने मिलकर उस समय बहरान, दुबई, इंग्लैंड, कनाडा और तो और अमेरिका में भी कई हाउसफुल शोज किए थे। उस दिन भी चमकीला और अमरजोत पंजाब के महसामपुर गांव में अपने अगले शो के लिए पहुंच चुके थे। खेत किनारे गाड़ी रोककर वो खेत के रास्ते अपने ग्रुप के 3 मेंबर्स के साथ परफॉर्मेंस की जगह पर पहुंचने ही वाले थे, जब एकदम से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग उनकी तरफ आए और उन पर AK-47 से फायर करने लगे। उन्होंने चमकीला और अमरजोत के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। पंजाब के उस समय के सबसे शानदार म्यूजिशियन का दिन दहाड़े मर्डर हो गया था। अगले दिन चमकीला की मौत की खबर पूरे पंजाब में फैल गई। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ना ही चमकीला के परिवार ने, ना ही महसामपुर के गांव वालों ने और ना ही जो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, किसी ने भी कोई रिपोर्ट लिखवाई। पर चमकीला के कई फैंस को ये मंजूर नहीं था और उनमें से कुछ ने हिम्मत की और चमकीला और अमरजोत के अगेंस्ट हुए अटैक की रिपोर्ट लिखवाई। 1980s में सारी की सारी पंजाब पुलिस खालिस्तान मूवमेंट और पंजाब में चल रहे नाजुक हालातों से डील कर रही थी और उनके पास चमकीला केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि वो हर दिन गोलाबारी और बड़े बड़े बॉम्ब्लास्ट से डील कर रहे थे। लेकिन चमकीला के फैंस का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि पुलिस को इस केस को प्रायोरिटी देनी पड़ी और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहली सबसे अजीब बात जो पुलिस ने नोटिस की वो ये थी कि चमकीला और अमरजोत के परिवार में किसी ने भी उनके मर्डर की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। तो पुलिस ने सबसे पहले परिवार की ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आए जिसने चमकीला और अमरजोत के परिवार वालों को शक के घेरे में डाल दिया। चमकीला पहले से शादीशुदा था, लेकिन अमरजोत के साथ गाते गाते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और अलग जाति के होने के बावजूद दोनों ने शादी कर ली।
पर उन दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो हमेशा से चमकीला और अमरजोत के रिश्ते के खिलाफ थे। इसकी वजह से पुलिस को लगा कि उनका मर्डर शायद एक ऑनर किलिंग का केस था, जहां परिवार वालों ने ही उन दोनों का मर्डर करवा दिया। उन्होंने दोनों के परिवार को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्हें इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस के पास इस केस से रिलेटेड एक दूसरी थ्योरी भी थी, और ये थ्योरी चमकीला के फैंस की तरफ से भी आई थी। दरअसल उस टाइम चमकीला की पॉपुलैरिटी की वजह से बाकी सिंगर्स की डिमांड खत्म होती जा रही थी। चमकीला की इस पॉपुलैरिटी को खत्म करने के लिए इन्हीं सिंगर्स में से कुछ ने एक ग्रुप बनाकर चमकीला को मरवा दिया था। पुलिस ने इस थ्योरी को भी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्हें इस बात का भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने अपनी तीसरी और आखिरी थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया। इस थ्योरी के हिसाब से चमकीला और अमरजोत की मौत के पीछे कुछ खालिस्तान मूवमेंट्स में बिलीव करने वाले गुंडों का हाथ था। चमकीला और अमरजोत के गानों की फेमस होने की वजह सिर्फ उनकी गायकी और अच्छा म्यूजिक ही नहीं, बल्कि उन गानों के लिरिक्स यानी बोल भी थे। चमकीला अपने गानों में वही बोलता था जो अपने आस पास देखता था। उस टाइम पंजाब बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, ड्रग्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, शादियों के बाद अफेयर्स, गुंडागर्दी, ये सब पंजाब में आम बात बन गई थी, और चमकीला इन्हीं चीजों के ऊपर अपने गानों के जरिए बात करता था। जहां कुछ लोग चमकीला को सच बताने के लिए वाहवाही दे रहे थे, वहीं कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि चमकीला के ऐसे गाने बनाने की वजह से पंजाब बदनाम हो रहा है, और साथ ही साथ पंजाब का युवा भटक भी रहा है। पुलिस ने जैसे जैसे इस एंगल को इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें पता चला कि इस मूवमेंट से लिंक्ड कुछ लोगों ने पहले भी चमकीला को कई बार धमकी दी थी। और तो और, चमकीला ने उन टॉपिक्स पर गाने बनाना भी बंद करके धार्मिक गाने बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन चमकीला के शोज में उसके फैंस उससे जो सुनना चाहते थे वो वही गाने गाता था, और ये भी चमकीला के दुश्मनों को मंजूर नहीं था। उस टाइम पर पुलिस इस थ्योरी को ढंग से इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें जिस आदमी की टिप मिली थी वो आदमी काफी पावरफुल था, और उसके खौफ और रौब की वजह से पुलिस उससे कभी चमकीला मर्डर केस रिलेटेड कोई सवाल तक भी नहीं उठा पाई। पुलिस को कभी कोई पुख्ता सबूत मिल ही नहीं पाया, और इस वजह से उस टाइम के पंजाब के सबसे पॉपुलर सिंगर चमकीला का मर्डर केस हमेशा हमेशा के लिए अनसॉल्व ही रह गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चमकीला के हत्यारे कौन थे, और क्या वो इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि पुलिस ने इस केस पर ध्यान नहीं दिया, या चमकीला के हत्यारे इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पुलिस को इस केस को ढंग से इन्वेस्टिगेट करने ही नहीं दिया? हमें कमेंट्स में